अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्रिया अनुसंधान के उद्देश्य एवं प्रयोजन। एंडरसन के अनुसार विद्यालय के वास्तविक वातावरण में शिक्षा के सिद्धांतों का परीक्षण करना। दूसरा, विद्यालय के संगठन और व्यवस्था में परिवर्तन करके सुधार करना। तीसरा, विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्रात्मक मूल्यों को अधिकतम स्थान देना। तीसरा, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन और समाधान करके उनकी प्रगति में योग देना। पांचवा, विद्यालय के छात्रों शिक्षकों आदि को उनके दोषों से अवगत कराकर उनकी उन्नति को संभव बनाना। अगला, विद्यालय के पाठ्यक्रम का वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करके उनको स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना। विद्यालय के प्राचार्य, प्रबंधक, निरीक्षक और अध्यापकों को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना। विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी विधियों को उत्तम बनाने का अवसर प्रदान करना। बेस्ट ने तो ये भी कहा है कि शिक्षक की प्रगति, विचार शक्ति, व्यावसायिक भावना और दूसरों के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करती है। बेस्ट ने एक और बात कहा है कि विद्यालय की क्रियाओं की उन्नति करना क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। क्रिया अनुसंधान के महत्व के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, यह विद्यालय की कार्य प्रणाली में संशोधन और सुधार करता है। यह विद्यालय में जनतंत्रात्मक मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। यह विद्यालय के यांत्रिक और परंपरागत वातावरण को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। यह विद्यालय के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को अपने दैनिक अनुभवों को संगठित करके उनके लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है। यह विद्यालय प्रबंधकों, छात्रों, शिक्षकों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करता है। यह पाठ्यक्रम को समाज की मांगों, मूल्यों और मान्यताओं के अनुकूल बनाकर विद्यालय को समाज का लघु रूप बनाने की चेष्टा करता है। यह छात्रों की चतुर्मुखी उन्नति करने के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावपूर्ण विधि से आयोजन करता है। यह वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उत्पन्न होने वाली नई परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देता है। यह शिक्षकों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, सद्भावना की भावनाओं का विकास करता है। यह शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों, प्रशासकों आदि को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके मूल्यांकन में परिवर्तन और सुधार करता है। इस प्रकार की क्रियात्मक अनुसंधान है। विद्यालय शिक्षा और शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के लिए क्रिया अनुसंधान का क्या महत्व है, इसको पुष्ट करते हुए कोरे मोदे ने भी कुछ शब्द कहे हैं। इन शब्दों को उद्धृत करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि हमारे विद्यालय तब तक जीवन के अनुकूल कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक शिक्षक, छात्र, निरीक्षक, प्रशासक और विद्यालय संरक्षक इस बात की निरंतर जांच न करें कि वे क्या कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया को मैं क्रिया अनुसंधान कहता हूं। ये सभी क्रिया अनुसंधान के महत्व को दर्शाने वाली पॉइंट्स या तर्क है। आजकल यह भी देखा गया है कि शिक्षा की व्यवहारिक समस्याओं के कारण छात्रों के
की निष्पक्ति प्रभावित हुई है। इस संबंध में एमएस कोरे ने अपने अध्ययनों में अनेक समस्याओं की ओर संकेत किया है। कक्षा, विद्यालय, शिक्षक व्यवहार तथा निष्पक्ति को लेकर अनेक दिशाएं प्रकट हुई है। ये सभी शिक्षा जगत में क्रिया अनुसंधान के अंतर्गत हल की जा सकती है।